एक के बाद एक संगीन वारदात से सूबे की राजधानी लखनऊ हलकान है, लेकिन पुलिस प्रशासन किसी एक वारदात से सबक लेने के बजाय खामोश बैठा हुआ है। जहां एक बार फिर राजधानी लखनऊ में सगी बहनों की निर्मम हत्या कर दी गई और कातिल का ना तो कोई सुराग मिला ना ही कोई सबूत कि किसने और आखिर क्यों दो सगी बहनों की हस्ती मिटा दी। राजधानी लखनऊ के थानापारा के राम विहार कॉलोनी में स्थित यह है रिटायर्ड फौजी लाल बहादुर सिंह का मकान, जिसके बाहर इस वक्त पूरा इलाका उमड़ा है। मकान के बाहर और भीतर पुलिस वालों की चहलकदमी जारी है। आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एएसपी और सीओ समेत कई थानों की पुलिस हलकान हालत में नजर आ रही है। इलाकाई लोग हैरान नजरों से उस अनहोनी को देखने के लिए बेताब है, जिसकी दस्तक से एक परिवार की चीख निकल गई और पूरे राजधानी में हड़कंप। लेकिन इजाजत किसी को नहीं कि कोई उस मंजर से वाकिफ हो, सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही घर के भीतर जा सकती है। तो चलिए सनसनी का सबब बनी दिल और दिमाग सुन कर देने वाली कहानी से आपका तारुफ करवाया जाए, जिसकी सच्चाई बेहद डरावनी है। मगर उससे पहले टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही इन दो तस्वीरों पर गौर करें। तस्वीर में नजर आ रही दो लड़कियां सगी बहनें हैं। लाल बहादुर सिंह की 24 साल की बड़ी बेटी आरती और 20 साल की छोटी बेटी सोना, जो आज महज तस्वीर का हिस्सा भर है, जिनकी इसी मकान के भीतर बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी गई। और जैसे ही इस खूनी मंजर से पिता लाल बहादुर सिंह और माँ का सामना हुआ, वहाँ फर्श पर खून से सनी दोनों बेटियां जिंदगी और मौत से संघर्ष करती मिली, जिन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन अफसोस दोनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ना तो मैंने देखा नहीं क्या होगी, मेरी बिटिया को दोनों किसी ने मार दिया, चाकू किचन में पड़ी थी। अभी तक यहाँ बाउंडर बाजी है, ये घटना घटी है तो किसी ने मारा है। इतनी बड़ी कालोनी मर्डर हो गया, दो बिटिया हमारी मारी गई। वारदात के कुछ वक्त पहले रिटायर्ड फौजी एलबी सिंह की धर्मपत्नी की तबीयत खराब हुई थी, जिनके इलाज के लिए एलबी सिंह ने हॉस्पिटल का रुख किया था, जो अपनी पत्नी का सीटी स्कैन कराने चले गए। लेकिन जैसे ही वो लौट कर घर आए, घर का मेन दरवाजा खुला मिला। एक बार भी उन्हें ये बात समझ नहीं आई कि जो दरवाजा हमेशा खुलवाने पर खुलता था, उसे इस लापरवाही से क्यों खुला छोड़ दिया गया। हमेशा की तरह बेटियों को आवाज लगाते दंपति घर में दाखिल हुए, लेकिन उन्हें मकान के भीतर पहुंचने पर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन अगले ही पल जैसे ही उन्होंने किचन में अपने कदम बढ़ाए, उनके कदम ठहर गए। फर्श पर खून से सनी पड़ी बेटियों पर नजर गई, जिनके गले रेते गए थे, खून पानी बनकर फर्श पर जमा पड़ा था। लेकिन बेटियों की उखड़ती सांसों को देख पिता ने एक अदद कोशिश की, किसी तरह से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, लेकिन पिता की कोशिश जाया साबित हुई। आज प्रातः लगभग 8:10 पे ये अपनी पत्नी को लेके कमांड हॉस्पिटल कैंट एरिया में गए थे। उनकी पत्नी का कोई वहाँ पर इलाज होना था और लगभग 9:30 या 40 मिनट के दरमियान, लगभग 1.5 घंटे के बाद वापस घर में लौट के आते हैं। तब ये पाते हैं कि साहब उनके जो दोनों बेटियाँ हैं, जिनकी उम्र 24 वर्ष और 19 वर्ष है, वो किचन में घायल अवस्था में पड़ी हुई हैं। तो इन्होंने अपने पड़ोसियों की मदद से उनको कमांड हॉस्पिटल दोबारा लेके गए, जहां पर डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित किया है। फौज से रिटायर्ड हुए एलबी सिंह अपनी पत्नी समेत दो बेटियां और एक बेटे के साथ रहते थे। इसे इत्तफाक कहें या फिर बदकिस्मती कि वारदात वाली सुबह जब सिटी स्कैन के लिए वो घर से बाहर निकले, उस वक्त बेटा भी घर में मौजूद नहीं था। एलएनटी से मेट्रो में सेलेक्ट हुआ बेटा दफ्तर निकल चुका था। घर में दोनों बेटियां मौजूद थी, जहां दंपति की गैर हाजिरी में किसी ने घर का दरवाजा खुलवाया, फिर बेटियों को चाकू से गोदते हुए उन्हें किचन तक मारने का प्रयास किया गया, फिर किचन में घेर कर उनकी हस्ती मिटा दी गई। दिन दहाड़े हुए इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में आक्रोश की चिंगारी भड़की है। फौजी पिता के हमदर्द बने बने पड़ोसी पुलिस की लानत मलानत कर रहे हैं कि आखिर राजधानी की बिगड़ती कानून व्यवस्था का जिम्मेदार किसे माना जाए, अपराधियों को या फिर उन पुलिस वालों को जो दावे तो बड़े बड़े करते हैं। दिन दहाड़े बेलगाम हो चुके अपराधी किसी के घर में घुसकर खूनी खेल खेल जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाती है। हेड ऑफ द फैमिली का मेन बेडरूम है, उसका एक अलमारी आधा खुला हुआ है, उसका कुछ सामान बिखरा पड़ा है, जिसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः जिन लोगों ने भी इस घटना को कारित किया है, उनका उद्देश्य लूटपाट का रहा होगा।
बाकी अभी हमारी क्राइम ब्रांच की टीमें, फॉरेंसिक टीमें, ये सारी टीमें हमने यहाँ पे बुलाई हैं, वो लोग घटनास्थल का डिटेल मुआयना करेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें शाम तक प्राप्त होगी, उससे ये स्पष्ट हो पाएगा कि मृत्यु का एक्चुअल में कारण क्या था, और दूसरा जो फॉरेंसिक एविडेंस हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे उसके आधार पर आगे की वेचना को हम लोग शेप अप करेंगे। रिटायर्ड फौजी की किसी से दुश्मनी थी या फिर किसी करीबी ने उनकी खुशियां मिटाई? कौन थे कातिल? क्या वो पेशेवर अपराधी थे? बेटियों की मौत से सुध गंवा चुके पिता के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। वो रंजिश की बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सुराग रशी कर चुकी पुलिस इस बात की आशंका जाहिर कर रही है कि किसी गिरोह ने लूटपाट के मकसद से घर के भीतर डबल मर्डर किया। हो सकता है कि दोनों सगी बहनों से लूट का विरोध किया है, जिसके बाद उनकी हस्ती हलाक कर दी गई, लेकिन पुलिस के पास न तो कोई सुराग हाथ लगा, न ही कोई सबूत कि कातिल कितने थे, कैसे आए, कब आए और कत्ल की असल वजह क्या है। आर के पार, लखनऊ समाचार प्लस। आशिक की बेवफाई से टूटी माशुका खुदकुशी का फैसला कर चुकी थी, लेकिन प्रेमी की उस बात से परेशान थी जहां फांसी को दर्द से जोड़ा गया था कि फांसी लगाते वक्त तकलीफ होती है, लेकिन माशुका का सवाल था कि जो जख्म आशिक ने उसे दिए हैं वो बर्दाश्त से बाहर थे, तो भला फांसी के दर्द की किसे परवाह, और माशुका इसी तरह फना हो गई। राज, तुमने कहा था फांसी लगाने से बहुत दर्द होता है, लेकिन जो दर्द तुमने दिया है उससे ज्यादा दर्द नहीं होगा। फेसबुक पर पोस्ट किया गया यह वो आखिरी पैगाम है जो एक माशुका ने फांसी के फंदे पर झूलने से पहले लिखा, और वो वादा पूरा किया जिसे माशुका ने आशिक के साथ मिलकर किया था कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, लेकिन किस्मत की मारी माशुका की किस्मत में धोखा लिखा था, जिसने उस फरेबी आशिक से दिल लगाने की कोशिश की, जिसे प्यार का मोल था ही नहीं। पेशे से अध्यापिका, शादीशुदा, बाल बच्चेदार, अर्चना की जिंदगी बर्बाद की, उस कगार पर खड़ी थी जिसे प्यार की तलाश। इस बीच अर्चना की मुलाकात शहर के ही डॉक्टर राज सैनी से हुई, जिसने अर्चना से नजदीकियां बढ़ाई, जबकि वो खुद शादीशुदा था और इस बात से वाकिफ था कि अर्चना के कंधों पर एक 12 साल के बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी है, लेकिन दिल से दिल मिलाने का सिलसिला जोर पकड़ चुका था। आशिक राज जीने मरने की कस्में खा चुका था, लेकिन उसे माशुका अर्चना की इज्जत की परवाह ना थी, तभी तो उसने अर्चना के साथ बिताए उन निजी पलों को फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, जिसे देख अर्चना हैरान थी कि भला डॉक्टर राज ने क्यों उसे बदनाम कर दिया। बदनाम करने की कोशिश करी गई बहुत बुरी तरह। कौन लोग थे बदनाम? कौन लोग बदनाम कर रहे थे? कल इसको कमरे में बंद करके वीडियो बनाई। कहां पर? थाने में। किन लोगों ने बनाई वीडियो? पुलिस वालों ने। अर्चना अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी, यही कारण था कि थामपुर में शिक्षिका के पद पर कार्य अर्चना ने पति के घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई और अपने कंधों पर बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी ली। पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया तो अर्चना के पति को जेल जाने की नौबत आई, लेकिन बेटे की परवरिश के साथ मायूस जिंदगी में रंग भरने की कड़ी में उसे क्या पता था कि जिस डॉक्टर राज से वो दिल लगा बैठी है वहाँ उसकी जिंदगी खुशियों के रंग से नहीं दमकने वाली। डॉक्टर राज भी शादीशुदा था, जिसकी पत्नी की जानकारी में अर्चना और राज के मधुर रिश्ते थे, जो डॉक्टर के रिश्ते पर एतराज जाहिर करती थी, लेकिन सब कुछ कुर्बान करने की ख्वाहिशमंद अर्चना को राज के सिवाय कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। अर्चना ने विश्वास करके अपनी पूरी दौलत राज को सौंप दी, उसे खुश करने के लिए महंगे तोहफे दिए, लेकिन संग दिल आशिक राज ने अर्चना के सपनों को शीशे की तरह तोड़ दिया। मरने से पहले अर्चना ने अपने जेवर अपने बेटे के नाम करने की ख्वाहिश जाहिर की कि जो जेवर उसने राज को दिए वो उसके बेटे को दे दिए जाए, जिससे उसकी परवरिश हो सके, क्योंकि अब उस बच्चे का कोई सहारा नहीं। एक महिला ने एक तहरीर दी है थाने पे, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उसके पति के पास एक महिला आई और उसके ऊपर चाकुओं से हमला किया, जिससे वो घायल हुआ है, कुछ पैसे वगैरह उससे मांग रही थी। उस तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा गया, जिसमें एक महिला नामजद की गई। ये वही महिला है जिसमें आरोपी है,
उसने अपने आप को हैंग करके सुसाइड कर लिया है। इसमें अभी फिलहाल महिला के परिवार की तरफ से जिसने हैंग किया है उसकी तरफ से कोई तहरीर नहीं आई है, इसकी जांच हम लोग कर रहे हैं, वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें फेसबुक पर निजी पलों के सार्वजनिक होने पर अर्चना को डर इस बात का था कि वो बदनाम हो, उसके बच्चे का भविष्य दांव पर लग गया, अब समाज उसके बच्चे से उसकी माँ के बारे में सवाल करेगा। लेकिन पसोपेश में पड़ी अर्चना इस बात से तफाक नहीं रखती कि ऐसा पोस्ट डॉक्टर राज कर सकता है, लिहाजा अर्चना ने डॉक्टर राज से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन राज ने फोन स्विच ऑफ कर रखा। अर्चना के पास कोई चारा नहीं बचा था, वो राज से मिलने के लिए बेताब कि वो पूछ सके कि जिस रिश्ते का कोई नाम नहीं, भला उसे फेसबुक पर पोस्ट करने की दरकार क्यों, और क्या डॉक्टर राज ने फेसबुक पर निजी तस्वीरें सार्वजनिक या फिर साजिश के तहत राज की पत्नी ने करवाई। लेकिन इस बाबत जब सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ तो अर्चना और राज के बीच कहासुनी की नौबत आई। इस दौरान चाकू चले, जहां इल्जाम अर्चना पर आए तो पुलिस की निगाह में भी आरोपी बन गई। अब अर्चना को तय करना था कि वो इस बदनामी से कैसे छुटकारा पाए, लेकिन खुदकुशी से पहले जो उसने पैगाम लिखा उसे पढ़कर जमाना हैरान रह गया। फैसला पुलिस को करना है कि अर्चना की जिंदगी बर्बाद करने वाले राज के खिलाफ कैसे एक्शन ले, क्योंकि ये खुदकुशी नहीं मर्डर है, यही अर्चना के परिवार का दावा है जो अर्चना की मौत के बाद इंसाफ चाहता है। अर्शद जैदी, बिजनौर समाचार। एनकाउंटर में अब जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें आशिक की मोहब्बत कर्ज की उस बुनियाद पर खड़ी थी जहां वो जमाने के साथ साथ अपनी प्रेमिका का भी कर्जदार बन बैठा, जो पैसा देने में भी नाकाम हुआ और मोहब्बत पाने में भी। लेकिन उसके बाद जो सनकी आशिक ने किया वहां जमाना खौफ से भर गया। हरदोई के थाना लोनार के गाँव सवाइशपुर का रहने वाला एक परिवार उस वक्त दहशत से भर उठा जब दहलीज पर आए किरायेदार ने ही उनकी बेटी की जिंदगी छीननी चाहिए। खून से सनी सुहागन बेटी अस्पताल पहुंचाई गई, जिसे गोली मारने वाला किरायेदार। लेकिन हैरानी होगी आपको ये जानकर कि सनकी किरायेदार ने इश्क में नाकाम होने पर अपनी माशुका की जान लेनी चाहिए और माशुका को गोली मारते खुद को भी गोली से उड़ा ली। गंभीर हालत में लाई गई माशुका का इलाज जारी है, जिससे जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किरायेदार से उसका क्या संबंध था जो उसने इतनी खौफनाक कहानी गढ़ी। और फिर जो दास्तान सामने आई वहाँ आशिक के कर्जदार होने की वो सच्चाई सामने आई, जिससे छुटकारा पाने के लिए सनकी आशिक ने खूनी कहानी लिख डाली। अगर यकीन ना आए तो माशुका की ही जुबानी सुनी कि कैसे कर्जदार बने आशिक की जिंदगी में लड़की उससे दूर हुई तो नाकामी का मलाल पाले उसने उसके खून से हाथ रंगे, फिर खुद की भी हस्ती मिटा ली। उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, नहीं तो जेवर दो, बस इतना ही काम, हमारे गोली मार दी, अपने भी मार ली। किसने मारी गोली आप? सत्यवीर ने। कौन है सत्यवीर आप? हमारी दुकान किराए पे रहता है। आपसे क्या उसका लेना देना? क्या लेना देना? कुछ नहीं था, ऐसा था मोटरसाइकिल ली थी तो उसने उसपे हमारे पैसे थे तो उसने कटवा दिए थे उसमें, और बाद में उसने हमसे पैसे मांगे कब तो नहीं तो मार देंगे, धमकी दी बोली। पिछले महीने ही माशुका की शादी उसके घर वालों की मर्जी से हुई, लेकिन अपनी आप बीती में माशुका ने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया कि उसकी ये दुर्दशा करने वाला आशिक किस लिए हैवान बना। लेकिन हाँ, माशुका ने इस बात का दावा जरूर किया कि सनकी किरायेदार उसका कर्जदार था जो पैसे देने में नाकाम था। वारदात वाली दोपहर आशिक कुछ पुराने लेन देन के बारे में सवाल कर रहा था, लेकिन जैसे ही माशुका ने इनकार किया एक के बाद एक सुलगते बारूद से भरी गोलियां चली, जो एक माशुका को लगी और दूसरी आशिक जो उसकी जान छीनती बाहर निकल गई। मौके पर ही आशिक ने दम तोड़ दिया और जैसे ही परिवार ने गोली चलने की आवाज सुनी इलाके में हड़कंप मच गया। जख्मी पड़ी माशुका को हॉस्पिटलाइज करवाया गया, जिसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे लखनऊ रेफर करना पड़ा। महिला का इस प्रेमी से संबंध, अपने प्रेमी से संबंध बताया जा रहा था, जो उससे एक प्रेम प्रसंग का मामला ऐसे प्राथमिक जांच में आया है, जिसमें जो सत्यवीर नाम का व्यक्ति है उसने उस अपनी कथित प्रेमिका को जो गोली मार दी है आज किसी बात पर, उसके विशेष कारण जो है उसकी गहराई से जांच की जा रही है। साथ ही उसने अपने को स्वयं भी गोली मार ली जो है, वो ऑन स्पॉट उसकी डेथ भी हो गई, जिसमें 3 कट्टे भी बरामद हुए हैं और जो
मजरूर है अरुणा, उसको रेफर किया गया है लखनऊ इलाज के। आशिक की नफरत का शिकार बनी माशका भले ही इस बात से इनकार कर रही हो कि उसका किरायेदार से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन जमाना इस बात का गवाह है कि दोनों के बीच पनपे रिश्ते की क्या चर्चाएं। हर कोई जानता था कि जिसकी शादी पिछले महीने हुई वो एक ऐसे आशिक की मोहब्बत जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। उस माशका का भी कर्जदार था जो जीते जी उसकी ना हो सके। शायद इसी बात का मलाल था उस आशिक जिसने सनक में इतना खौफनाक कदम अख्तियार किया। यही सोचकर माशका को गोली मारी कि जो उसकी ना हो सकी वो किसी को मिलकर भी ना मिल पाए, लेकिन मौत आशिक की तय थी। जिसने खुद को गोली मारी तो उसके बचने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। विनोद वर्मा, हरदोई, समाचार।